नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एडेनियम प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगी। देखिए, सितंबर मंथ चल रहा है और इस मंथ में आप एडेनियम को किस प्रकार से तैयार करें कि आगे वो अच्छी फ्लावरिंग दे और काफ़ी उसका स्टेम जो है वो थिक हो, वो मैं सब आपको बताऊंगी। देखिए, मेरे पास बहुत सारे एडेनियम के प्लांट हैं पर सारे ही एक ही कलर के हैं क्योंकि मैंने खुद ही इनको सीड से तैयार किया हुआ है। और ये देखिए, ये एक से डेढ़ साल पुराने एडेनियम है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनमें और इनमें इस समय देखिए फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है एक बार। पर बारिश का मौसम है और लगातार 5-6 दिन से बारिश हो रही है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और सितंबर मंथ में हम ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे कि हमारा पौधा अच्छी फ्लावरिंग दे। और इनमें देखिए, इस तरीके से बहुत सारी खरपतवार भी उगाई हैं, उनको आप निकालिए। और ये थोड़ा सा मुझे कुछ इसमें गड़बड़ दिखाई दे रही है इस वाले एडेनियम के प्लांट में, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा, शायद ये पौधा गल रहा है इसमें क्योंकि पानी रुका हुआ था। चूँकि 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ये मुझे लग रहा है कि इसकी स्टेम जो है थोड़ी सी मुझे सॉफ्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपके पौधे में या तो फंगल इन्फेक्शन हो गया है या ओवर वाटरिंग से ये गल रहा है पौधा। तो अब आप इसको क्या करें कि ये पौधा गले नहीं, ये आपको ध्यान देना है, थोड़ी अच्छी फ्लावरिंग हो। तो देखिए, इसमें इस समय बहुत ज़्यादा लीफ आई हुई हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा लीव्स को तोड़ के निकाल सकते हैं जिससे कि पौधा है वो फ्लावरिंग पे ज़्यादा ध्यान देगा। मैं इनकी नीचे की लीव्स तोड़ के निकाल दूँगी और इस समय मैंने इनमें थोड़ी नीम की खली जो कि एंटी बैक्टीरियल और कीड़ों को नहीं पैदा होने देती है और थोड़ा सा बोन मील ऐड किया हुआ है। और जब बारिश नहीं हो रही थी तब इनमें मैंने मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाला हुआ था। और देखिए, इस तरीके से मेरा ये 1.5 साल पुराना ही पौधा है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने इन सब की नीचे की लीफ निकाल दी है। आप इनमें होममेड फर्टिलाइज़र्स जैसे बनाना केक या प्याज की पत्तियों का जो आप पानी में भिगो के एक मिक्सचर तैयार करते हैं उसे भी इनमें डाल सकते हैं जिससे फ्लावरिंग अच्छी होगी। देखिए, मैंने इनकी नीचे की लीव्स निकाल दूंगी तो इनमें बडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और थोड़ा मैं चेक करती रहती हूँ नीचे से स्टेम कि कोई स्टेम कहीं गल तो नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो आप उस पौधे को तुरंत उसका नीचे का ड्रेनेज होल चेक करिए, कहीं वो बंद तो नहीं हो रहा है। देखिए, कुछ कुछ कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं ये वाला जो है इसको हटा के ही देखूंगी कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। जो भी इसका गला हुआ पार्ट है उसे मैं पूरी तरीके से निकाल दूंगी। और मैंने इधर से ये बाउंड्री वॉल पे रखा हुआ है इसे हटा लिया है और मुझे अब देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इसमें देखिए कलियाँ भी नहीं बन रही हैं तो अब इसमें मैं कुछ खाद वगैरह भी ऐड करूँगी और जो भी इसका सड़ा हुआ पार्ट है उसे मैं पूरी तरीके से निकाल दूंगी। कुछ खरपतवार भी लगी है उसे भी मुझे निकालना होगा। और देखिए, पानी कितना ज़्यादा इसमें इकट्ठा हुआ है, शायद ड्रेनेज होल ही इसका बंद है। हाँ, देखिए जो पूरा ड्रेनेज होल है इसकी जो रूट्स हैं उसमें से बाहर आ गई हैं और उसने सारा जो है ड्रेनेज होल को बंद कर दिया है। अब मुझे इसको रूट को निकाल देना है। देखिए, ये भी जो एक्स्ट्रा है और देखिए पूरा ड्रेनेज होल इसको कवर कर दिया है उसने। देखिए, इसके निकालते से ही पानी निकलने लग गया है गमले में से नीचे। और जो भी मिट्टी है मैं इसको चेंज करके थोड़ी सैंडी सॉइल इसमें डालूंगी और इसे सैंड से ऊपर से कवर कर दूंगी जिसमें बिल्कुल भी इसमें पानी इकट्ठा ना होने पाए। और जो भी स्टेम, देखिए बारिश में तो कटिंग मत करिए क्योंकि अगर आप कटिंग करते हैं कोई भी फंजीसाइड लगा दीजिए या जिस पार्ट को आप कटिंग करते हैं वहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए जिसमें इसमें फंगस ना फैल पाए।
और इसकी मैंने मिट्टी चेंज करके थोड़ी सैंडी सॉइल बना दी है। देखिए कितना ज़्यादा इसमें पानी इकट्ठा था, वो सब अब निकलने लग गया है। अब 2 से 3 दिन मैं इसमें कोई भी पानी नहीं डालूँगी और ऐसी जगह पर रख दूँगी जहाँ पर बारिश ना आती हो। आप इस मौसम में जब 4-5 दिन लगातार बारिश हो रही है तो इनके स्टेम को ज़रूर चेक करिए, कहीं ये गल तो नहीं रहे, नहीं तो आपका पूरा का पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। और कटिंग इस समय मत करिए बारिश के मौसम में, मिड सितंबर में जब बारिश ख़त्म हो जाती है तब आप इसकी कटिंग कर सकते हो। देखिए कितना ज़्यादा पानी नीचे इकट्ठा हो गया है। इस तरीके से मैंने उसके नीचे पत्थर लगा दिए हैं जिसमें पानी आसानी से पूरा का पूरा निकल जाए।